जिले के पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देश में मंगलवार को थाना हाटा और साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल फोन, जेवरात और गाड़ियों समेत कुल 20,65,000 की सामग्री बरामद की गई है। वहीं पुलिस द्वारा 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना आटा सर्विलांस टीम और साइबर टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए ठगी और चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय ठटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम विकास कुमार, विक्की कुमार और संतोष कुमार है। इनके पास से अभी हाटा में जो घटना हुई थी एक जेवरात को बदलने की धोखाधड़ी से, उस पूरे जेवरात को बरामद किया गया है। इसमें 2.5 लाख रुपए से अधिक की बरामद की हुई है और करीब 20 लाख रुपए से अधिक के इनके पास से सोने और चांदी के जो जवाहरात हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अपराध कारित करने में जो 2 मोटरसाइकिलों का प्रयोग किया गया है उनको भी बरामद किया गया है। इनके अपराध करने का जो तरीका था, ये भोले भाले लोगों के पास जाते थे, उन्हें प्रलोभन देते थे कि वे उनके जो बहुमूल्य गहने हैं उनकी सफाई कर देंगे कम शुल्क, और उसके बाद उन गहनों को ये धोखे से बदल देते थे। उसके बाद इनके पास जो केमिकल थे उसमें ये उन गहनों को गला देते थे और उसके बाद इसको प्रिजर्व करके वापस से ठोस धातु परिवर्तित करते, अलग अलग जगहों पर ये बेच दिया करते थे। चक्का सब आई ना घर में घुस गए ना, जबरदस्ती घुस लो को पायल साफ करके दे दिया ना, तोलवा धरनी बच्चे तेरे पुण्य के चल दिए ना, 14 दिन हो गए। हाँ तुरंत तुरंत थाना में सूचना दी आई ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। उनके उम्र में कमाई में बहुत लोग आगे बढ़े।